स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज का दिन यानी कि 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। देश और दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल बड़े पैमाने पर इसको लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी इसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंचों के माध्यम से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह पीएम नरेंद्र मोदी योग का महत्व समझाने और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपना संबोधन भी करेंगे। दोस्तों, इस दिन के खास महत्व समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों और कब से मनाया जाता है। आज हम आपको योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, मान्यता के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले धर्म या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले ही हो गई थी। योग विद्या के अनुसार शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा इससे पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। योग एक संस्कृत शब्द है। ऋग्वेद में की गई इसकी व्याख्या के अनुसार योग एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर 21 जून को ही योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद साल 2015 से इस दिन की दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य सबसे ज्यादा समय तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने के पीछे ये बड़ा कारण है। इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का भी दिन होता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे इस रीजन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल एक नई थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। साल 2015 में इसकी थीम थी सद्भावना और शांति के लिए योग। वहीं 2016 में इसकी थीम थी आओ युवाओं को कनेक्ट करें। इसके बाद 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम थी। साल 2018 में शांति के लिए योग की थीम पर इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद साल 2019 में योग के साथ पर्यावरण को कनेक्ट करते हुए इसकी थीम पर्यावरण के लिए योग रखी गई थी। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल 2020 में इसकी थीम सेहत के लिए योग घर से योग रखी गई थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग यानी योग फॉर वेलनेस है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।